Hello students, come to the next lesson, cell division. See, the word is giving you clear idea is that one cell is dividing to produce two baby cells. One cell is dividing to produce two baby cells. So it sounds very simple mechanism. Simple सी बात है. हमको क्या लगता है? देखो ये एक cell है, right? एक cell का division हो गया, हमको दो cell. फिर से डिवीजन हुआ, हमको चार से राइट, चार के आठ, आठ के सोलह, लाइक दैट द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड राइट. और ये सेल डिवीजन से एक सेल से जायंट ऑर्गेनिज्म बनता है. ओके, इट्स नॉट सिंपल. ओके, जस्ट इमेजिन, और यू माइट हैव ऑब्जर्व सोनोग्राफी. सोनोग्राफी आपने देखी होगी. यूट्रस में, ममा के यूट्रस में एक सिंगल सेल होता है जिसको बोलते हैं जायगोट. इसको बोलते हैं जायगोट. वो जायगोट का डिवीजन हुआ, जस्ट इमेजिन ये जायगोट है, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, राइट. हजारों सेल बनते गए, बनते गए, बनते गए. वो हजारों सेल जो बने, वो सेल ने अलग अलग काम करना शुरू किया, राइट. सेल में बदलाव आना शुरू हुआ, उसको हम बोलेंगे डिफरेंसिएशन. उसको हम बोलेंगे डिफरेंसिएशन. आउटर सेल स्किन बने, अंदर के सेल बोन बने, कुछ सेल ब्लड सेल्स बने, कुछ मसल बने, कुछ नर्व बने, राइट. और ये एक सिंगल सेल से हमको सेल डिवीजन के बाद, डिफरेंसिएशन के बाद, अलग अलग ऑर्गन बनने के बाद, हमको एक ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ मल्टीसेलुलर जायंट ऑर्गेनिज्म मिला. ये मल्टीसेलुलर जायंट ऑर्गेनिज्म हमको कैसे मिला? ये सेल डिवीजन की प्रोसेस से ही मिला. सो सेल डिवीजन साउंड सिंपल, एक सेल से दो सेल बने, बट इज इट रियली सिंपल? नो. सेल प्रिपेयर्स अ लॉट. सेल प्रिपेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स. सेल को हजारों काम करने हैं, पूरी तैयारी करनी है, और पूरी तैयारी करने के बाद एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बांट के, एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बांट के दो बेबी सेल बनाने हैं. अगर जेनेटिक मटेरियल के बंटवारा करते वक्त, ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इफ एट ऑल एनी मिस्टेक हैपेंस, इट लीड्स टू मेजर जेनेटिक डिसऑर्डर. देखो बात को समझो, जेनेटिक मटेरियल बनाना, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बनाना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये बड़ी जिम्मेदारी की और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. वो भी अंडर कंट्रोल होती है. अगर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अनवॉन्टेड सेल डिविजन हुआ तो कैंसर जैसी बीमारी होती है. Are you getting that? So it appears very simple. एक सेल के दो सेल बने, लेकिन ये इतनी आसान प्रोसेस नहीं है. Look at this diagram. ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की, ये डायग्राम में आपको थोड़ा अंदाजा आएगा कि सेल को क्या क्या करना पड़ता है. फॉर सेल डिविजन सेल को क्या क्या करना पड़ता है, देखो. सबसे पहली बात, ये जो बेबी सेल है, देखो आकार साइज से छोटा है. दिस इज अ स्मॉल बेबी सेल. This baby cell will first grow. ये पहले खुद की ग्रोथ करेगा, सेल की खुद की ग्रोथ करेगा, पूरी तैयारी करेगा. ये ग्रोथ डिवीजन की क्षमता, it will be capable. It will develop all those capacities required for cell division. It will be capable, right? So baby cell grow up. तो आपको ये सेल के ग्रोथ में, जो हमने लिविंग वर्ल्ड में सीखा था, सेल्स ग्रोथ, सेल ग्रोथ में क्या क्या हो रहा है, देखो. ये बेबी सेल के पास समझ लो दो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये सेल के पास 10 माइटोकॉन्ड्रिया होंगे. इसके पास अगर 0.001 माइक्रोग्राम प्रोटीन होंगे, तो इसके पास ये प्रोटीन का अमाउंट 2-3 टाइम्स ज्यादा होगा. मतलब ये सेल ग्रो होते वक्त नए ऑर्गेनेल बनाएगा, नए केमिकल्स बनाएगा, नए बायोमोलिक्यूल्स बनाएगा,
और खुद को कैपेबल बनाएगा कि वो आगे जाके दो बेबी सेल बना सके, राइट। सो दिस इज व्हाट सेल की ग्रोथ होगी। फिर ये सेल, एक सेल की ग्रोथ, ये सेल की ग्रोथ होने के बाद ये जो देखो यहां पे मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है, ये पॉइंट आएगा उसकी जिंदगी में, सेल के लाइफ में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट को बोलते हैं चेक पॉइंट, ये पॉइंट को बोलते हैं चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट में सेल डिसीजन लेगा कि क्या मुझे सेल डिवीजन करना है, क्या मुझे सेल डिवीजन करना है कि मुझे सेल डिवीजन रोक देना है। अगर सेल ने डिसाइड किया कि हां मुझे सेल डिवीजन करना है, तो फिर वो प्रोसीड करेगा आगे जाके सिस्टमैटिक डिवीजन की तैयारी करेगा, राइट। और बराबर जेनेटिक मटेरियल आधे आधे में बंटवारा किया जाएगा। आर यू गेटिंग द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस? आई रिपीट, बेबी सेल विल ग्रो, ओके, इसके पास 2 माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास 10 माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास 0.1 एनी ऑफ बायोमोलिक्यूल, 0.1 माइक्रोग्राम, इसके पास 10 माइक्रोग्राम, राइट। सो ये ग्रो हो गया। फिर उसने ग्रोथ के बाद सोचा, फिर चेक पॉइंट पे डिसाइड किया मैंने डिवाइड होना है। जब उसने सेल डिवीजन का डिसीजन लिया, व्हाट इट विल डू, इट विल फर्स्ट डू वन थिंग एट अ प्रायोरिटी, इट विल सिंथेसाइज मोर डीएनए। देखो बात को समझो, ये ममा सेल, अगर ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसने डिसाइड किया कि हां मुझे दो बेबी सेल बनाने हैं, तो उसको फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाने पड़ेंगे, राइट, ओके। सो ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम और बनाएगा, और क्लोरोप्लास्ट बनाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, और बायोमोलिक्यूल्स बनाएगा, और सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मेनली जेनेटिक मटेरियल डीएनए को राइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये सेल में भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे और ये सेल में भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे, एंड दीज टू बेबी सेल्स आर कॉल्ड सिस्टर सेल्स विच आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर। दीज टू सेल्स आर कॉल्ड सिस्टर सेल विच आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर, राइट। सो ड्रॉ दिस डायग्राम। See this, as I said, it's not a simple process. It appears simple. एक सेल के दो सेल, सेल को एक सेल के दो सेल बनाने से पहले बहुत प्रिपरेशन करनी है। So see what sort of preparation it is. Preparation of cell division. Mama cell, this one is preparing for cell division. सबसे पहले खुद की ग्रोथ, खुद की ग्रोथ होने के बाद इट विल गो फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनेल्स, न्यू बायोमोलिक्यूल एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ये खुद के लिए ये सब करेगा, ये सब खुद के लिए करेगा, नए ऑर्गेनेल बनाएगा, नए बायोमोलिक्यूल्स बनाएगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करवाएगा, राइट। ये पूरा ग्रोथ इररिवर्सिबल है। डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ इज परमानेंट इररिवर्सिबल इंक्रीज, ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वन मोर थिंग, ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सेल ग्रोथ आर सिंथेसाइज्ड विद इन द सेल। इंट्रिंसिक ग्रोथ विच इज प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ लिविंग ग्रोथ। बेटा लास्ट लेक्चर, लास्ट चैप्टर को थोड़ा रिलेट करते करते आगे जाना है, राइट। सो सेल इज प्रिपेयरिंग खुद के लिए, ये खुद की ग्रोथ करी, ये करते करते यहां पे आ गया चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट में इसने डिसाइड किया चलो फिर से सेल डिवीजन करते हैं, दो नए बेबी सेल बनाते हैं। तो ये चेक पॉइंट पे उसको ये प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ेगा, डीएनए रेप्लिकेशन। Just now, as I said,
if it is a human cell, it has 23 pair of DNA, 46 DNA, 46 chromosome. Every human body cell, ये शब्द नहीं भूलेंगे आप. Every human body cell, body cell मतलब skin cell, bone cell, muscle cell, brain cell, right? Blood का cell. ये जो body आपको दिखती है, ये body के cell में 23 pair of chromosome होते हैं. So what I said? 23 pair of DNA. इसको और एक scientific शब्द है, genome. What is the word? Genome. DNA content is related to genome. बात को समझो. अगर chromosome pair में है, DNA pair में है, तो genome भी pair में होगा. अगर आपके पास body cell में 23 pair of chromosomes है, 23 pair of DNA है, तो उसके पास कितने genome है? दो genome है. Okay? So, write down definition of genome. ये शब्द बहुत ही साइंटिफिक है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत टीचर इसको सिखाते ही नहीं. दे जस्ट से डीएनए कंटेंट ऑफ अ सेल इज जीनोम. नो, टोटल रॉन्ग इंफॉर्मेशन. ये कॉन्सेप्ट पे आगे जाके बहुत कैलकुलेशन करने हैं. सो राइट नाउ आप इतना ध्यान में रखेंगे, जनरल बॉडी सेल हैज पेयर्ड क्रोमोसोम. That is pair of genome. अगर pair में chromosome है तो genome pair में है ना. So DNA content is broadly genome of the cell. So human cell में 23 pairs of chromosome, तो दो genome हर body cell में रहेंगे. Skin, bone, right? All body cells have 23 pair of chromosome, two genomes, right? अब देखो सेल ने डिसाइड कर लिया मुझे डिवाइड होना है, तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है डीएनए रेप्लिकेशन. याद करो मैंने बोला था डीएनए इज बुक ऑफ लाइफ, उसमें हर चीज लिखी है आपकी लाइफ के बारे में. जीन्स है उस पे, ये ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप क्या है, स्किन कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, ओके, कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, राइट, इसको कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस है क्या, हीमोफीलिया है क्या. ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए पे लिखी है. वो डीएनए खुद का जेरोक्स करवाएगा, वो डीएनए खुद का जेरोक्स करवाएगा. जेरोक्स में कोई गलती अलाउड नहीं है. इट हैज टू प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपी, दैट इज रेप्लिका. दैट्स व्हाई द वर्ड इज replication. So DNA will go for exact copy, Xerox banayega wo, right? So mother cell has 23 pair of chromosome. It will produce more 23 pair, right? So jab cell division ki decision lega, that time it will go for DNA replication. So this is total preparation of cell division, which is really crucial, time consuming and a long complicated process. I repeat, preparation of cell division is really complicated, time consuming, right, and a long phase, complicated process. After this preparation, the cell will go for actual division. Ye pura preparation ho gaya, cell ke andar ye pura material choose ke bana hai, intrinsic growth ho gayi. इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गई. अब इसके बाद क्या होगा? एग्जैक्ट सेल डिवीजन, राइट. ये जो 23 पेयर क्रोमोसोम के बने थे, राइट, वो एक सेल में 23 पेयर जाएंगे, दूसरे सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे. और ये बंटवारा बड़ा सिस्टमैटिक होता है. व्हाई? देयर शुड नॉट बी अ सिंगल मिस्टेक. सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड very regulated process. Cell division is under control of genes. Get it? आपका cell कब divide होना है, कब division रुकना है, ये भी genes के control में होता है. Right? आप wounded हो, नए cell बनेंगे, कब तक? जब तक wound heal ना हो जाए. Once the wound is completely healed,
Once the wound is completely healed, again the cell division rate will stop. So it is under control, right? So this really important complicated process is involving stepwise classification, and we classify these steps, right? We classify these steps in particular sequence. So let us go for this total process along with the scientific names. Okay, ये जो मैंने अभी तक पूरा समझाया, ये simple. Okay, layman's language के भाषा में, simple भाषा में मैंने समझा दिया. अब कौन से phase में कौन सा process होता है, वो phase का scientific नाम क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये पूरा detail अब हम सीखेंगे. Right? Please copy down the things. See this, how we have divided, this total process into different phases. अब ये scientific शब्द है, थोड़े आपको दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन एक मिनट आप पढ़ो नहीं, मेरे साथ काम करो सब लोग. सी, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, तो मैं क्या बोलूंगी, इसको न्यूबॉर्न बेबी सेल, इन्फेंट. ठीक है, ह्यूमन लाइफ साइकिल की अगर बात करते हैं तो कौन सा शब्द यूज करते हैं हम, न्यूबॉर्न बेबी को इन्फेंट बोलते हैं. सो सेल को भी ऐसे ही बोलेंगे, न्यूबॉर्न बेबी सेल, इन्फेंट, ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग, राइट. तो यहां पे ग्रोथ में न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट ग्रोज टू बेबी, राइट. बेबी ग्रो टू किड, किड़े हो जाते हो, राइट. बाद में टीनेजर्स, राइट ना, व्हेन यू बिकम अ यंग, then you become mature, right? Balanced person, you start attaining that balance. So ये phases कैसे बोल रही हूँ? Infant, baby, kid, teenager, mature. Mature होने के बाद आप decision की क्षमता रखते हो, मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना है, right? So that is what is mature self. Mature self decides. चलो divide होता है, तो division में पहले वो क्रोमोसोम को अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा, फिर उनको डिवाइड कर लेगा, उनका बंटवारा कर लेगा और अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगा. ये जैसे लाइफ साइकिल है, समझ लो आपकी लाइफ साइकिल है, राइट. ये बेबी सेल, इन्फेंट, बेबी, किड, टीनेजर, मैच्योर, राइट, देन डिविजन के प्रोसेस, एंड नाउ टू सिस्टर सेल. इनको हम नाम रख देते हैं रिंकू एंड टिंकू. क्या नाम रखेंगे? रिंकू एंड टिंकू, सिस्टर सेल्स, जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर, बराबर. सो ये रिंकू की मामा सेल थी, रिंकू की मामा सेल खुद का ग्रोथ करवा के, राइट, डिवाइड होके रिंकू टिंकू को बना के, खुद को डिवाइड करके उसका लाइफ साइकिल एंड कर गई. So isn't it life cycle of Rinku Tinku's mother cell? इसके बाद life cycle शुरू होगा Rinku का, life cycle शुरू होगा Tinku का. Are you getting the word? Life cycle of an individual. वैसे ही life cycle of a cell is cell cycle. Life cycle of a cell is cell cycle. समझ लो आपने Rinku के मामा का cell. रिंकू का मामा सेल है ना ये, बराबर. उसके फोटो लगाए लाइन से, देखते हो ना फोटो बड़े बड़े लोगों के, न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट, देन ग्रो हुआ, स्कूल में गया, कॉलेज में गया, शादी की, और अंत में फोटो को हार पहुंच गया. Isn't it that infant to फोटो को हार, राइट. ये पूरा वो बंदे का लाइफ साइकिल होता है. वही तो बात कर रही हूं मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में. रिंकू की मदर ग्रो हुई, डिवाइड हुई, फोटो को हार, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ रिंकू टिंकूज मदर सेल. सो आर यू गेटिंग दैट? व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल इज सिक्वेंशियल इवेंट्स हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ अ सेल. व्हाट इज सेल साइकिल? सिक्वेंशियल इवेंट्स हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ अ सेल.
इज कॉल्ड सेल साइकिल। बराबर, तो ये जो मैंने जनरल भाषा में आपको सिखाया इन्फंट बेबी, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज में ये फेजेस को एक प्रिसाइज शब्द है जो हमको सिक्वेंशियली रट्टा मारना है। सो सिक्वेंशियल इवेंट ऑफ लाइफ ऑफ अ सेल इज अ सेल साइकिल। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू दीज फेजेस। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू दीज फेजेस व्हिच आर द फेजेस, सी सेल साइकिल। सेल साइकिल में टोटल प्रिपरेशन जो मैंने बोला था, सेल डिवीजन की पूरी प्रिपरेशन, सेल डिवीजन की पूरी प्रिपरेशन करने वाली फेज है इंटरफेज। सेल पूरा प्रिपरेशन करेगा, ये प्रिपरेशन को बोलेंगे इंटरफेज, राइट। और एक्चुअल सेल डिवीजन जो माइक्रोस्कोप के नीचे आपको दिखाई देगा, आई शो यू अ स्मॉल क्लिप, माइक्रोस्कोप के नीचे जो आपको दिखाई देगा उसको बोलेंगे एम फेज। और एक उर्दू सिंपल भाषा में, राइट, देखो समझ लो, पूरा सेल साइकिल मतलब एक मूवी है, पूरा सेल साइकिल मतलब मूवी, इंटरफेस मतलब मूवी की तैयारी, पूरा स्टार उनको सिलेक्ट करना, स्क्रिप्ट बनाना, शूटिंग करवाना, एडिटिंग करवाना, सेंसर करवाना, ये पूरी प्रिपरेशन, राइट। और ये एम फेज है एक्चुअल मूवी जो थिएटर में दिखता है 2.5 आवर्स। देखो मूवी सेल साइकिल इज अ मूवी, उसका प्रिपरेशन इंटरफेस, और एक्चुअल मूवी जो थिएटर में दिखता है, टीवी पे दिखता है, एम फेज। आप ही मुझे बोलो कौन सी फेज बड़ी है, कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरफेस। कौन सी फेज सिंपल है, आसान है, राइट, थिएटर में एसी में बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए देखनी है, एम फेज, राइट। सो इंटरफेस इज प्रिपरेटरी फेज ऑफ द मूवी, एम फेज इज द एक्चुअल मूवी। इफ यू कंपेयर ड्यूरेशन, then interphase occupies 95% of the cell cycle, total cell cycle ka 95% time preparation mein gaya, interphase mein gaya, aur actual movie 5% mein start or end ho gaya, are you getting that, right, chalo now come to total learning and scientific information, cell cycle is the sequential events of different phases, cell cycle is sequential events of life of a cell, these sequential events are labeled, titled, the titles are like this, cell cycle is divided into preparatory phase, interphase and M phase, mitotic phase, which is visible under microscope, M phase is not visible under microscope, cell happy or resting, आपको दिखता कुछ नहीं है, so लगता है cell rest कर रहा है, but actually cell is metabolically very active. In interphase, the cell is preparing. Interphase में cell खुद की growth कर रहा है, cell division की preparation कर रहा है, so it is metabolically very active. Scientifically it is divided into, interphase is divided into G1S G2. It is divided into G1S G2, first gap phase G1, first gap phase G1, S phase synthetic phase, G2 second gap phase. Interphase is divided into G1S G2. Interphase is divided into G1S G2. G1 is first gap phase, S is synthesis synthetic phase, G2 is a second gap phase, G1S G2. After complete preparation, it will enter in M phase, mitotic phase. Mitotic phase is divided into two subphases, karyokinesis. What is karyo? Nucleus. Kinesis, division. Right? Karyo, cell chakra mein sikhaya tha ye shabd, prokaryotes. Karyonucleus, right? So nucleus ka division karyokinesis, cytoplasm ka division cytokinesis,
न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोमेटाएनाटेल। बोलो मेरे साथ, कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रो प्रो मेटा मेटा एना एना टेलो टेलो, प्रो प्रो मेटा मेटा एना एना टेलो टेलो, प्रो प्रो मेटा मेटा एना एना टेलो टेलो। राइट राइट, सीक्वेंस हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी यही सीक्वेंस में ही बोलेंगे। सीक्वेंस आपको कितने सारे एमसीक्यू का आंसर देगा ये नहीं भूलेंगे आप। राइट, चलो लेट अस रट्टा दिस। फॉलो मी, सेल साइकिल, सेल साइकिल, सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑफ ऑल द फेजेस अकरिंग इन लाइफ ऑफ सेल, अकरिंग इन लाइफ ऑफ सेल। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज। इंटरफेज इज प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज। सेल अपीयर साइलेंट, सेल अपीयर साइलेंट, प्रिपरेटरी फेज। रेस्टिंग फेज, बट सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू जी1 फर्स्ट गैप फेज, फर्स्ट गैप फेज। एस फेज सिंथेसिस फेज, एस फेज सिंथेसिस फेज। G2 सेकंड गैप फेज, G2 सेकंड गैप फेज। एम फेज माइटोटिक फेज, एम फेज माइटोटिक फेज। डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रो मेटा एना टेलो, प्रो प्रो मेटा मेटा एना एना टेलो टेलो, प्रो प्रो मेटा मेटा एना एना टेलो टेलो, प्रो प्रो मेटा मेटा एना एना टेलो टेलो। After telophase, cell goes in cytokinesis and ultimately two baby cells are produced. Right? Take 2 minutes. Write down. Mug up. Learn it. Learn करने के बाद याद है मैंने photographic memory की बात की थी on the man's study tips. अच्छे से लिख लो. Okay? आंखें भर के देख लो. Right? Try to get everything. Then close your eyes, recollect the chart. Photographic memory जैसा आपको के सामने आना चाहिए. Take 2 minutes. Write it down. डन, फोटोग्राफिक मेमोरी डन, सब लोगों को याद है, ठीक है, आंखें बंद करके रिकलेक्ट करके देखा। चलो सेव का बटन दबाते हैं, जो हमने लर्न किया। राइट, हाँ अभी 2 मिनट ध्यान में रखेगा, आज के दिन ध्यान में रहेगा, कल तो भूल ही जाओगे, ह्यूमन माइंड है, कंप्यूटर तो है नहीं, तो हमको बार बार सेव का बटन दबाना है। गेम खेलते हैं ना कंप्यूटर में,
ठीक है, आज खेला सेव का बटन, फिर खेला सेव का बटन. सो इजंट इट एवरी टाइम सेव का बटन दबाओगे तो परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज हम तो वैसे भी गजनी ही है, गजनी से बड़ा हमारा क्लोज रिलेशन है, तो गजनी को रोज बोलना पड़ता है ना, ये बंदा है, ये बंदा है. सो वैसे हमको भी बोलना पड़ेगा, ये सेल साइकिल है, सेल साइकिल है, गजनी सुन सेल साइकिल. लर्न होते जाएगा, रोज सेव का बटन दबाना है, राइट. चलो तो सेव का बटन कैसे दबाए, रैपिडली मेरे साथ बोलेंगे, एक शब्द दो बार. ओके, अब ध्यान में रखो बच्चों, अभी एक शब्द दो बार, लेकिन एग्जाम में भी ऐसे बोलोगे क्या, प्रो प्रो बेटा बेटा टेला टेला, ना ना, जब एक ही बार बोलेंगे. सो पहले चार दिन हम ये साइकिल एक शब्द दो बार बोलेंगे, बाद में एक शब्द एक ही बार, और पूरा सेल साइकिल बोलने के लिए हमको हार्डली एक मिनट लगेगा. एग्जाम में हमको ये याद जो करना है, राइट. और सबसे बेहतरीन पार्ट कि हमको याद करने की जरूरत नहीं, हम तो पता होना चाहिए थर्ड फेज ऑफ सेल साइकिल, थर्ड फेज ऑफ एम फेज इज एना फेज, ये लेवल तक हमको पहुंचना है. समझ रहे हो, स्टेप वाइज पहले लिख लिया, रट्टा किया, ब्रेन में स्टोर किया, फिर रिवीजन डाल डाल के सेव का बटन दबाया, सेव का बटन दबाया. अब कभी भी कुछ भी याद कर सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. सो वहां तक हमको पहुंचना है, स्टडी टिप्स फॉलो करने हैं. थैंक यू, राइट, ये ध्यान में रखेंगे आप. चलो लेट्स स्टार्ट. सेल साइकिल इंटरफेस एम फेज, इंटरफेस एम फेज, इंटरफेस जीवन फर्स्ट गैप फेज, जीवन फर्स्ट गैप फेज, एस फेज सिंथेटिक फेज, एस फेज सिंथेटिक फेज, G2 सेकंड गैप फेज, G2 सेकंड गैप फेज, एम फेज एम फेज, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस डिवाइडेड इनटू, कैरियोकाइनेसिस डिवाइडेड इनटू प्रो प्रो मेटा मेटा एना एना टेलो टेलो, प्रो प्रो मेटा मेटा एना एना टेलो टेलो, आफ्टर टेलोफेज साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, आफ्टर टेलोफेज साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, राइट. अब सिर्फ ये बोलेंगे, This is what is ultimately cell cycle ना? तो कैसे बोलेंगे, मेरे साथ एक शब्द दो बार, जीवन जीवन, एस एस, जी टू जी टू, प्रो प्रो, मेटा मेटा, एना एना, टेलो टेलो, साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, जीवन जीवन, एस एस, जी टू जी टू, प्रो प्रो, मेटा मेटा, एना एना, टेलो टेलो, साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, जीवन जीवन, एस एस, जी टू जी टू, प्रो प्रो, मेटा मेटा, एना एना, टेलो टेलो, साइटोकाइनेसिस, राइट. ये सीक्वेंस लर्न होना चाहिए. चलिए, सो आई अज्यूम कि आपको लर्न हो चुका है, फिर भी आंखों के सामने है. दोज हु कैन आंसर विदाउट वॉचिंग दिस, वंडरफुल, बट इफ यू कांट, कुछ लोग रहते हैं रट्टा को टाइम लगता है, मुझे लगता है रट्टा को टाइम, कोई दिक्कत नहीं है. आप जैसे भी हो काम करना है, जो वीकनेस है प्रमोट करने हैं, वीकनेस है उनको, उनको प्रमोट करने के लिए, मतलब इंप्रूवमेंट के लिए अलग अलग मेथड्स हमने यूज करने हैं, राइट. सो रिविजन सेव, रिविजन सेव, दिस द स्टडी टिप. डन, आंसर द क्वेश्चन, एक बार देख लो अच्छे से, आंसर द क्वेश्चन, राइट. हाँ, टेल मी, द सेल साइकिल इज मेनली डिवाइडेड इन टू, सेल साइकिल इज मेनली डिवाइडेड इन टू, यस, इंटरफेज एम फेज, एम फेज इज फर्दर डिवाइडेड इन टू, फर्स्ट फेज ऑफ एम फेज इज, फर्स्ट फेज ऑफ एम फेज इज कैरियोकाइनेसिस, सेकंड फेज ऑफ एम फेज इज साइटोकाइनेसिस, थर्ड फेज ऑफ इंटरफेज इज, सेकंड फेज ऑफ एम फेज इज, सेकंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज, लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज, व्हाट कम्स आफ्टर एनाफेज, What comes after anaphase? What comes after telophase? What comes before prophase? What?
comes before prophase. Which phase lies between prophase and anaphase? Which phase lies between prophase and anaphase? Which is the last phase of cell cycle? Isn't it question ki answer? Ab angrezi hai. Now, yahi information English wale kaise ghumate hai, from English mein. Right? Prophase is followed by. Prophase is followed by metaphase. Prophase follows G2 phase. Active voice, passive voice, bachcho. Yaad aa raha hai? Prophase is followed by metaphase. Prophase follows G2. G2 is preceded by S. G2 is preceded by S. S is preceded by G1. After completion of G1, selector is in S phase. Okay? So, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बस इस सीक्वेंस पे पूछे जाएंगे. समझ रहे हो? Right? Okay? चलो. Now, ये जो हमने पूरी इंफॉर्मेशन देखी, right? ये साइकिल में कैसी होती है? थोड़ा ब्रीफ में देख लेंगे. देखो, इंटरफेज इज सेल साइकिल्स प्रिपरेशन. सेल अपीयर टू बी रेस्टिंग बट मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, राइट? सो दिस टोटल यहां से यहां तक, ये टोटल इंटरफेज है. ये टोटल इंटरफेज है. देखो, 95% of the duration required for cell cycle is occupied by interphase, right? Interphase mein yahan se yahan tak cell ki khud ki growth, right? This total cell ki khud ki growth and all, it will be in G1. It will be occurring in G1 में. देखो क्या क्या हुआ. देखो ये डायग्राम की तरफ, छोटा सेल बड़ा सेल हुआ, सेल ग्रो हुआ, उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा, उसने नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाए, ऑर्गेनेल्स बनाए, ईआर बनाए, गॉल्गी बॉडी बनाए. सो व्हाट इज हैपनिंग इन G1? एक सेल की ग्रोथ, अ सेल्स ग्रोथ विद सिंथेसिस ऑफ न्यू ऑर्गेनेल्स, न्यू बायोमोलिक्यूल, राइट? नए प्रोटीन, नए आरएनए, डीएनए के असिस्टेंट आरएनए क्या करेंगे? प्रोटीन बनाएंगे, राइट? अलग अलग बायोमोलिक्यूल से ऑर्गेनेल बनेंगे. सो ये पूरी G1 में ग्रोथ हो गई, राइट? सो ये रेड से मैंने लिखा है, ये रेड पेन से जो मैंने लिखा है, इट इज इंटरफेस, राइट? ये रेड है इंटरफेस. इंटरफेस में भी सबसे बड़ी कौन है? G1, सेल की खुद की ग्रोथ. फिर ये चेक पॉइंट पे सेल ने डिसाइड किया कि मुझे डिवाइड होना है, तो उसने यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन की जो तैयारी करनी थी, डीएनए बायोमोलिक्यूल, याद आ रहा है सेल चैप्टर में मैंने आपको केमिकल्स के नाम सिखाए थे. डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. So, अगर सेल को नए डीएनए बनाने हैं तो पहले न्यूक्लियोटाइड बनाने पड़ेंगे, तो वो यहां पे नए न्यूक्लियोटाइड बनाएगा. न्यूक्लियोटाइड बनाने के बाद फिर वो यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन करेगा. डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज. डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद जीनोम डेवलप हो गया, क्रोमोसोम का नंबर डेवलप हो गया, राइट? पहले बॉडी सेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, दो पेयर जीनोम के थे, तो 23 पेयर से 46 पेयर, दो जीनोम के चार जीनोम बन गए. डीएनए कंटेंट डबल हुआ, राइट? डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से फेज में होगा? एस फेज में. डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से फेज में होगा? एस फेज में. उसके बाद जो भी बची कुछ प्रिपरेशन है, वो पूरी
प्रिपरेशन, बची कुची प्रिपरेशन मतलब सेल डिवीजन के लिए लगने वाले एंजाइम, एंजाइम क्या है प्रोटीन, सेल डिवीजन के लिए लगने वाले एंजाइम वो क्या है प्रोटीन, वो प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए बनेंगे, आरएनए बनाने के लिए डीएनए हेल्प करेगा। देखो सेल जब जिंदा है, पहले बोलते सेल इज अलाइव, द डीएनए इज वर्किंग, डीएनए इज वर्किंग इन व्हाट, याद करो मैंने प्रोटीन सिंथेसिस का ब्रीफ आपको सिखाया था, अभी भी चाहिए तो चैप्टर सेल का लेक्चर नंबर 4 और 5 सुन, जिसमें मैंने जीन का डीएनए का काम समझाया था आपको। डीएनए काम करता है मतलब क्या करता है, डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है, राइट। सो जीवन में भी सेल जिंदा है, डीएनए आरएनए बना रहा है, आरएनए प्रोटीन बना रहा है, जीटू में भी सेल जिंदा है, सेल अलग अलग काम कर रहा है, ओके। जीटू में भी सेल जिंदा है, सेल अलग अलग काम कर रहा है, काम कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, डीएनए आरएनए बना रहा है, आरएनए प्रोटीन बना रहा है। सो आप ये फेजेस में डीएनए का आरएनए बनाना और आरएनए का प्रोटीन बनाना ये ऑनग्रोइंग प्रोसेस है, इट इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग, राइट। एक दो एक्सेप्शन है बाद में बोलती हूं, राइट। सो जीवन सेल्स ग्रोथ, न्यू ऑर्गेनेल, न्यू बायोमोलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, वंस द चेक पॉइंट इज क्रॉस्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस द सेल विल प्रिपेयर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, देन इन एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए कंटेंट डबल अप, जीनोम डबल हो जाएगा और ये बाद में आएगा जी टू में बची कुची प्रिपरेशन हो जाएगी, न्यू एंजाइम्स, पूरे प्रोसेस को एटीपी लगेंगे, पैसा लगेगा, राइट। एटीपी बनाएगा सेल, फूड ब्रेक डाउन करके फूड में से एटीपी बनाएगा, अब सेल की पूरी तैयारी हो चुकी, मूवी की पूरी शूटिंग हो चुकी, एडिटिंग हो चुका, सेंसर होगा, अब माइक्रोस्कोप के नीचे रियल मूवी देखना शुरू। सो दिस इज व्हाट इज रियल मूवी एम फेज, दिस इज व्हाट इज रियल मूवी एम फेज। तो एम फेज विल बी डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, यहां से यहां तक चलेगा कैरियोकाइनेसिस और यहां से यहां तक चलेगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोमेटा एंड टेलो और अंत में होगा साइटोकाइनेसिस। समझ रहे हो, राइट। चलो कम टू डायग्राम नंबर 10.1, एनसीईआरटी का डायग्राम नंबर 10.1। मैंने जो ये स्ट्रेट सेल साइकिल ड्रॉ की है, जिसके सब फेजेस मैंने टेबल फॉर्म में आपसे लिखवा के रट्टा मार लिया है, उसी को एनसीईआरटी वालों ने सर्कुलर डायग्राम ड्रॉ किया। देखो बेबी सेल, रिंकू की मदर, ग्रो हुई रिंकू, टिंकू, फिर से रिंकू ने अगर डिविजन सोचा तो ये कंटिन्यू करेगी ना प्रोसेस, दैट्स व्हाई दे हैव ड्रॉन अ सर्कल, राइट। चलो लुक एट दैट डायग्राम 10.1। सी जीवन सबसे बड़ी फेज दिखाई देगी आपको, बाद में आने वाला है एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, फिर होगा जी टू फेज, राइट। जी टू के बाद देखो वो ग्रे कलर का, डार्क कलर का एम फेज लिखा है, एम फेज को फिर से डिफाइन किया है प्रोमेटा एनाटेलो, अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस, राइट। और फिर से हमको मिला बेबी सेल, राइट। टिल नाउ वी डिडंट स्पीक एनीथिंग अबाउट जी जीरो फेज, सो होल्ड ऑन, जी जीरो नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं, ओके। चलो कम टू रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी, कम टू पेज नंबर 162। एवरीवन वर्किंग विथ मी, एज यू आर अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, राइट। जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ओके, वी स्टार्ट अवर लाइफ साइकिल
from zygote single cell. You may wonder how a single cell then goes on to form such large organism. इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बना? Obviously, repeated cell division होता है. Growth and reproduction are characteristics of cell. खुद की ग्रोथ करवाना, खुद का सेल डिवीजन करके नए सेल बनाना, ये सेल की प्रॉपर्टी है. Indeed, of all living organism, यही बात हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, खुद की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन. All cell reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cell. One mother cell gives rise to two daughter cell. This type of cell division is mitosis. This type of cell division is mitosis. Daughter cells each time they divide. Mitosis में एक मामा सेल आपको दो बेबी सेल देगा. These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of single parental cell to its progeny. Progeny is next generation. एक सेल का माइटोसिस हुआ, दो बेबी सेल का माइटोसिस हुआ, चार बेबी सेल. So you get continuously next generation is progeny. Right? Okay? So a type of cell division in which one mother cell gives rise to two baby cell is mitosis. One more type of cell division exists, meiosis. And one more primitive type of cell division exists, mitosis. So there are three types of cell division: mitosis, meiosis, mitosis. We will discuss in detail first mitosis, then the other parts. Right? So next one. In other words, such a cycle of growth and division allows a single cell to form a structure consisting of millions of cells. एक सेल रिपीटेडली डिवाइड होते 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 मिलियन सेल वाला ऑर्गेनिज्म बनाएगा. ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन को माइटोसिस बोलते हैं. सेल साइकिल. सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल्स ग्रोथ. डीएनए रेप्लिकेशन सेल की ग्रोथ हेंस टेक्स प्लेस in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny. Right? ये sequential होगा, cell की growth होगी, DNA replication होगा, फिर से नए biomolecules बनेंगे, फिर M-phase होगा और हमको next generation progeny cells मिलेंगे. ये sequential event बार बार होगा जिसको हम बोलेंगे cell cycle. The sequence of event by which a cell duplicate its genome मतलब डीएनए कंटेंट ऑफ अ सेल. अगर डीएनए पेयर्ड है तो जीनोम भी पेयर्ड है. राइट? सो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू 2 जीनोम्स फॉर ह्यूमन सेल. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड टू डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल. दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन विच सेल ग्रो, genome develop and cell undergo cytokinesis. The sequential event is cell cycle. Write down cell cycle. Sequential events happening in life cycle of a cell. In life of a cell. Although cell grow in terms of cytoplasmic increase, देखो, एक cell का cytoplasmic increase हुआ, so this is not cell division, this is one cell's growth, right? So, although cell grow in terms of cytoplasmic content, it's continuous process. ये cell एक बार ये size attain कर लेता है और इसके अंदर metabolic reaction चलते रहते हैं, so it is ongoing process. हर बार size बढ़ना जरूरी नहीं है. ये grow हो गया, एक size attain कर लिया, फिर जिंदा रहने के लिए मेटाबॉलिज्म करता रहेगा. मेटाबॉलिज्म करता रहेगा मतलब डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, सेल एटीपी बनाएगा. ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. ऑल्दो द सेल ग्रो इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक सिंगल स्टेज इन लाइफ साइकिल.
सेल मेटाबॉलिज्म करता रहता है जिंदगी भर, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक फेज में ही होता है और सिर्फ डिवाइडिंग सेल में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक फेज में और सिर्फ डिवाइडिंग सेल में होगा। दिस रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो डीएनए बने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के 46 पेयर बने और फिर 23 पेयर डिवाइड हुए, ये बड़ी क्रूशियल सिस्टमैटिक मेथड है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। अगर हम सेल साइकिल सीखनी है तो ह्यूमन सेल को लेबोरेटरी में एक पेट्री प्लेट पे रख दो जिसमें सेल का खाना फूड मीडिया रखा है। टेक अ पेट्री प्लेट, कीप फूड मीडिया ऑन इट एंड कीप सम लिविंग ह्यूमन सेल। यू विल फाइंड इट दैट द ह्यूमन सेल डेवलप इन एवरी 24 आवर्स। इस सेल डेवलप इन 90 मिनट्स। सो ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। ठीक से सुनो बच्चों, सिक्वेंशियल इवेंट इज अ सेल साइकिल। वो इवेंट को लगने वाला टाइम जनरेशन टाइम। चलो हमने वो एग्जांपल दिखा था। अगर कोई लीजेंड ओके हूएवर इसका लाइफ साइकिल, न्यू बॉर्न बेबी का फोटो राइट, देन किड का फोटो, यंग पर्सन, देन ओल्ड एज एंड फोटो को हार। ये पूरे फोटो के इवेंट को, ये पूरे फोटो के सीक्वेंस को हमने बोला लाइफ साइकिल। और वो लास्ट फोटो के हार के नीचे क्या लिखा रहता है याद है? बर्थ ब्ला ब्ला ईयर, डेथ ब्ला ब्ला ईयर। इजंट इट ड्यूरेशन डायमेंशन? फर्क समझ रहे हो? सीक्वेंस फोटो का सेल साइकिल। ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर दैट इज अ जनरेशन टाइम। Getting the two words, write down generation time. Cell cycle की definition लिखी ना, उसी के नीचे लिखो generation time. Duration required to complete one cell cycle is called generation time. Right? See, a typical eukaryotic cell cycle is illustrated. Example, human cell in culture. There, these cells divide once in approximately every 24 hours. However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. Ye duration time, right? Ye alag alag cell mein alag alag rahega. ये फेजेस अलग अलग सेल में थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं। हम सब सेल में जो कॉमनली फाउंड किया जाता है, व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज अ कॉमन एरिया अकरिंग इन यूकैरियोटिक सेल्स डिवीजन। इज फॉर एग्जांपल कैन प्रोग्रेस थ्रू सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। एक ईस्ट के दो ईस्ट सिर्फ 90 मिनट्स में होंगे। The cell cycle is divided into two basic phases, interphase and M phase. And look at the diagram 10.1. Right? So this is total introductory part. Ek baar chalo mere saath rapid fire ratta. Everyone ready? Aaj din bhar ye gaana bolte jaoge. Ready? Chalo. Cell cycle, interphase, M phase, G1S, G2, interphase, G1S, G2, M phase, karyokinesis, cytokinesis, M phase, karyokinesis, cytokinesis. Karyokinesis is divided into pro, meta, ana, telotale. Rapid fire, ant mein kaise bola tha? G1, S, G2, pro, meta, ana, telo, cytokinesis. G1, S, G2, pro, meta, ana, telo, cytokinesis. Din bhar, sunate jao, bolte jao. Right? It's a very interesting lesson. We'll continue. Have a nice day.